इस साइड है राजस्थान और इस साइड है मध्य प्रदेश। ये डाकू की सरदारनी, अरे छोटा डाकू। हमसे फॉर्म भराया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रणथंबोर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा हमने रणथंबोर फोर्ट एक्सप्लोर किया। आज हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल सेंचुरी जो कि चंबल रिवर में है पालीघाट में। यहाँ से पालीघाट का कुल डिस्टेंस है 42 किलोमीटर और टाइम लगने वाला है अपने को 1 घंटा। चलो चलते हैं। हम पहुंच गए पालीघाट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ये पहुंच गए हम बोटिंग साइट पे। ये है बोटिंग का बुकिंग ऑफिस। बुकिंग ऑफिस सर, क्या रेट है इधर? सर 700 रुपये एक व्यक्ति अगर बुकिंग करा। 700 रुपये पर व्यक्ति? 701 रुपये। 701 एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति का। जैसे उस ग्रुप में होता है तो जैसे सर 2 का 1300 और 2 है इस तरीके से 3। अभी हम 4 जन का कितना लगेगा? 2654। अच्छा, और सिंगल रहेगा? एक ही ये रहेगा या शेयरिंग में? शेयरिंग में सर। अच्छा, ये शेयरिंग में। ओके, और अगर सेपरेट अगर लेके जाना होगा तो सर वो 8 का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 8 जन का करना पड़ेगा तो ही निकलेगा। जैसे सर जो चॉइस करते हैं बोट तो उसमें 1585 रुपये व्हीकल बोट चॉइस का चार्जेज लगता है। ओके, वो टूरिस्ट के लिए ही पे करना पड़ता है और उसकी जो स्लिप है वो हम आपको देते हैं और जो भी पैसा लेंगे उसकी आप हम आपको एंड टू एंड स्लिप देंगे। ओके जी। और ये जो सामने लगी वही बोट है क्या सब? हाँ, इन्हीं में से कोई भी आप बोट जो चॉइस में सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी चॉइस करना पड़ता है क्या? हाँ, जैसे आप अच्छे से अच्छे बोट में किसी में जाना चाहते हो चॉइस कर सकते हो। बुड़ने की गारंटी? बुड़ने की तो सर ऐसे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। हमसे फॉर्म भराया जा रहा है। ये हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। कड़कड़ाती धूप है। ये आ गए हम जेट्टी पे, फ्लोटिंग जेट्टी। सेफ्टी फर्स्ट। ये है राजेंद्र भाई, हमको साइटिंग कराएंगे। हाय कर दो। ये एमपी पड़ता है क्या? अच्छा, एक्चुअली ये जो है चंबल रिवर जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। इस साइड है राजस्थान और इस साइड है मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में ये चंबल रिवर है। रिवर में हम चंबल के डाकू। ये डाकू की सरदारनी, अरे छोटा डाकू। ठीक 12 बजे अपनी राइड शुरू हुई है। देखते हैं कितने दूर तक लेके जाते हैं। क्रोकोडाइल
वैसे हमें काफ़ी दिखे, लेकिन जब भी उनके पास जाओ पानी के अंदर चले जाती है। हाँ जब अपन नज़दीक जाएंगे तो चला जाएगा वो। ब्लैक ऑर्मोनेंट ये पंछी का नाम है। हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट किंग फिशर बर्ड। धीरे धीरे जा रहे अपन उसके नजदीक। अच्छा उधर नेस्टिंग दिख रहा है उनका। किंगफिशर ब्लैक एंड व्हाइट किंगफिशर बर्ड या तो फिर देसी किंगफिशर कह लो। बर्ड किंगफिशर वहां पे हमें एक हरकत दिखी अभी। वो एक बड़ी घड़ियाल है। धीरे धीरे बोट जो है उसके नजदीक लेके जा रहे हैं, शायद से साइटिंग हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ये तो पूरी कॉलोनी है बच्चों की। देखो यहाँ पे नेस्टिंग है घड़ियाल की। 4 से 5 दिन पहले ये बच्चे एक से बारह है। भैया के पास क्लिप है, मैं वो क्लिप डाल दूंगा अगर उन्होंने दिया तो। और ये बेबी घड़ियाल बहुत ही बढ़िया। These are the alligators. Oh-ho. ये धूप सेकते हुए। अगस्त्या मजा आ रहा है। ए, ये भी आइलैंड है क्या? पानी के नीचे चली गई मादा घड़ियाल। हाँ ये आई थी नीचे गई क्रोकोडाइल। A few moments later. हमारी बोट रिवर्स हो रही नहीं है। अच्छा अच्छा पत्थर पे टिक गई क्या? और पीछे आ जाओ। हमारी बोट जो है
किसी स्टोन से टकरा गई थी नीचे, इसलिए वेट जो है वो पीछे किया और उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी निकल गई, अच्छा हुआ हमारी नैया निकल गई, तो टाइटैनिक होते होते बच जाता। भैया बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे घड़ियाल है वो फिश वगैरह खाता है, तो वह मगरमच्छ है वो क्या खाता है? नील गाय जो भी पानी के पास आया उनको। अच्छा, एलिगेटर्स जो है वो जनरली फिशेज वगैरह जो है एक्वेटिक एनिमल जो है वो खाते हैं, उन पे उनका गुजारा होता है। और जो मगरमच्छ है वो तो खैर जो एनिमल्स है जो नदी के आसपास आते हैं उनका शिकार करते हैं। जो हो गई खत्म हमारी राइड, खत्म, टाटा बाय बाय। ये राजेंद्र भाई, इन्होंने हमारी बहुत अच्छी साइटिंग करवाई, थैंक यू सर। हो गई हमारी क्रोकोडाइल राइड। हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि अगर आप समर्स में आ रहे हो तो मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग के टाइम पे आओ, आपको डेफिनेटली साइटिंग मिलेगी। आज खैर हमको बहुत कम मिली साइटिंग जो है वो। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए